ऐसे भी। माँ देखिए कौन आए, मार्केट में मिले थे तो घर लेके आ गए। आओ बेटा आओ। जीते रहो बेटा। नेहा मैं तुमसे कुछ नेहा आओ बेटा बैठो, खुश रहो बेटा, खुश खुश रहो, बैठो ना। कैसे हो? जैसा होना चाहिए माँ जी। किच्चू जी, माँ जी, जीजा जी के लिए कुछ नाश्ता और चाय लेकर आ। जी। तुम्हारी माँ कैसी है? माँ अच्छी है, इलाज चल रहा है, लेकिन अभी तबीयत अच्छी नहीं हुई। अच्छा, उम्र का तकाजा है बेटा, ठीक हो जाएंगी वो। मैं समझ सकती हूँ तुम्हें उनकी कितनी चिंता हो रही होगी। अच्छा किया जो तुम सोनाक्षी के साथ घर आए। जी जी, क्या अच्छा किया, बाजार में मिल गए तो आ गए। अब गरीब की बेटी क्या देख नहीं रही है? हमारी नेहा कितने दिनों से यहाँ दुखी बैठी है मायके में, खुद से आते तो अच्छा होता उसका हालचाल पूछने, है ना माँ जी? मामी, मेरे परिवार वाले भी बहुत चिंता में है इस मसले को लेकर, लेकिन और आप शायद नहीं जानते, लेकिन मैंने नेहा को बहुत कॉल्स किए, उससे बात करने की बहुत कोशिश की मैंने, लेकिन नेहा ने मेरे किसी भी कॉल का कोई जवाब नहीं दिया। जो घर तक आए सिर्फ आपसे मिलने, एक बार उनसे जाके बात तो कर लो, या फिर मैं उन्हें अंदर भेज। निक्की, तू छोटी है ना, तो छोटों की तरह रहे, बड़ों के मामले में बोलने की जरूरत नहीं है तुझे, समझी? नेहा, शर्मीर खुद यहाँ है, और ये कोई मजबूरी नहीं है, ये एक मौका है, ये एक अच्छा चांस है तुम दोनों के लिए बात करने के लिए, और तुम दोनों डिस्कस तो करके देखो। I'm sure रणवीर, प्लीज, ये मेरा पर्सनल मैटर है और मैं इसे खुद हैंडल कर लूंगी। नेहा, नेहा बेटा, बात करने में क्या हर्ज है? देखो ये तुम दोनों की जिंदगी का सवाल है। कौन सी जिंदगी माँ? ये सिर्फ मुझे ही पता है कि इनके घर में मेरी जिंदगी का क्या मोल है, कुछ भी नहीं। नेहा, I'm sure, पर अगर सिर्फ तुम दोनों बात, आपके लिए कहना बहुत आसान है, इनफैक्ट आपके लिए क्यों, इस घर में सबके लिए सब कुछ आसान है, लेकिन मेरे लिए नहीं। आप मेरी इनसे बात कराना चाहती हैं, लेकिन ये बात करते ही कहाँ हैं, ये सिर्फ मेरी गलतियां निकालते हैं। हर चीज में चाहते हैं कि सिर्फ मैं एडजस्ट करूं, लेकिन रणवीर को ये नहीं दिखता कि हालात सुधारने के लिए वो कितना कुछ कर सकते हैं, लेकिन इनको दिखती सिर्फ मेरी गलतियां। तू बता माँ, हमेशा मैं तो गलत नहीं हो सकती ना? मैंने भी कितना कुछ सोचा था कि आगे जाके ये भी भाई की तरह एक कामयाब इंसान बनेंगे, हम भी आगे जाके एक अच्छी जिंदगी बसाएंगे, लेकिन नहीं, इनको तो सिर्फ अपनी फैमिली और अपनी फैमिली की प्रॉब्लम्स की पड़ी है। नेहा, इस वक्त तुम तमाशा क्रिएट कर रही हो, और तुम बार बार मुझे अपने भाई से कंपेयर नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती? क्योंकि हम दोनों अलग अलग लोग हैं, और इतना कुछ लाइफ में हासिल करने के लिए वक्त लगता है, ये सब रातों रात नहीं मिलता। कोशिश सही हो तो सब कुछ हो सकता है। मैंने आपको कहा कि भाई से लोन लेकर हम एक अलग फ्लैट ले लेते हैं, लेकिन नहीं, आपने मेरी बात नहीं मानी। अगर आज हमारा एक अलग घर होता तो ये नौबत नहीं आती। इनफ नेहा, तुम आज भी इसी जिद पर अड़ी हुई हो, तुम्हारे कानों तक मेरी बात पहुंचती नहीं है। भाभी, आप मुझे इनसे बात करने के लिए लेकर आई थी ना, लेकिन जो इंसान सुनने को राजी नहीं है उससे मैं बात ही क्या करूं। अगर इसमें आपकी 5% भी मैच्योरिटी होती ना, तो हमारा रिश्ता आज इस कगार पर नहीं खड़ा होता। रणवीर, यहाँ बहुत ही समझदार है, एक बार आप मुझे इनसे कंपेयर कर रहे हो। क्यों ना करूं? अगर तुम मुझे अपने भाई से कंपेयर कर सकती हो, तो मैं तुम्हें तुम्हारी भाभी से कंपेयर क्यों नहीं कर सकता? एक मिनट बच्चों, शांत हो जाओ। देखो, मुझे लगता है तुम दोनों को ठंडे दिमाग से काम करना चाहिए। तुम दोनों थोड़ा वक्त ले लो बेटा, मैं नेहा को समझाऊंगी, शांत हो जाओ। नहीं माँ, मैं नेहा को बहुत अच्छे से समझ चुका हूँ, ये चाहती है कि मैं अलग घर लूँ, अपने परिवार से अलग रहूँ।
लेकिन ये मेरे संस्कारों के खिलाफ है। कोई मेरा परिवार तोड़े, मुझे ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। अलग रहने से क्या परिवार टूट जाता है? ठीक है, रहिए साथ, देखते हैं कौन कितना साथ जुड़ा रहता है। लेकिन मैं उस घर में कभी वापस नहीं आऊंगी। क्या ये तुम्हारा आखिरी फैसला होगा? हाँ। रणवीर बेटा, रणवीर रुकिए। माँ जी, बुआ दादी का फोन है आपके लिए। यहाँ क्या कर रही हो तुम? वही जो मुझे बहुत पहले कर देना चाहिए था, आपका घर छोड़कर जा रही हूँ। नेहा रुको, ये घर तुम्हारा है। अब मैंने घर छोड़ने तो फिर आपने रणवीर को मेरे सर पे लाके क्यों खड़ा कर दिया? आप यही चाहती है ना कि मैं इस घर से चली जाऊं? I'm sorry कि रणवीर यहाँ आए थे लेकिन ठीक से बात नहीं हो पाई। और मैं ऐसे कैसे सोच सकती हूँ कि तुम कहीं और चली जाओ? आई नो कि हमारी दोस्ती ठीक से नहीं हुई, लेकिन मुझे लगा कि जितनी भी बात हुई हम एक दूसरे को समझ गए थे। मुझे कोई नहीं समझता, लेकिन मुझे एक चीज समझ आ गई है कि अब ये घर और मेरे भाई पे मेरा कोई हक नहीं है। यहाँ ये तुम क्या कह रहे हो? तो ये पहले तुम्हारे भाई है फिर मेरे पति। देखो अब तुम गुस्से में हो, अपसेट हो, इसलिए कह रही हूँ। हम सब तुम्हारे साथ हैं, स्पेशली मैं। कोई भी दो लोग अगर साथ रहेंगे तो लड़ाई होती है ना, और जब वो एक दूसरे से प्यार करते, एक दूसरे से बात करेंगे तो ही प्रॉब्लम सॉल्व होगी ना। ऐसे ही अलग रहने से, चुपचाप रहने से क्या होगा? इसलिए मैंने रणवीर को यहाँ बुलाया। बस आप तो रहने दीजिए, आप पर और भाई पर बोझ बनने से बेहतर है कि मैं होटल में जाके रहूं। आखिर में दुनियादारी की बात सही निकली ना, कोई कितना भी मॉडर्न हो जाए लेकिन सोच पुरानी की पुरानी ही रहेगी। बेटी शादी के बाद पराई हो जाती और घर लौटाए तो अनचाही हो जाती है। आप चिंता मत कीजिए, मैंने इतने पैसे बचाए हैं कि एक डेढ़ हफ्ता होटल में जाके रह सकती हूँ। देखो नेहा, ये बेटी पराई हो गई इस नॉनसेंस में मैं बिलीव नहीं करती। पर मेरे बाबा हमेशा मुझसे कहते हैं कि वो घर मेरा हमेशा ही रहेगा, उसी तरह ये घर सबसे ज्यादा तुम्हारा है। और नेहा, देव और मैं बस यही चाहते हैं कि तुम हमेशा खुश रहो। अपने भाई पर भरोसा रख नेहा। देव जिस कामयाबी की सीढ़ी पर चढ़ा है उसे उसकी इस बहन ने दोनों हाथों से थाम कर रखा था, और ये बात देव जानता है और मानता भी है। देव तुम्हें पीछे छोड़कर कभी आगे नहीं बढ़ेगा, उसे तेरी हर कुर्बानी याद है बेटा, और मुझे भी। अरे इस घर पे क्या, देव की पूरी जायदाद पर तुम बहनों का बराबर का हक है, और मेरे जीते जी वो हक तुमसे कोई नहीं छीन सकता। बस ये रोना धोना बस, ठीक है? आराम कर। तुम आओ मेरे साथ। सोनाक्षी, रणवीर को घर नहीं लाना चाहिए था तुम्हें। मैंने तुमसे कहा भी था, नेहा अभी किसी से बात करने के लिए तैयार नहीं है, तभी तो मैं भी उससे कुछ नहीं कह रही। तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। नेहा से जबरदस्ती कोई भी कुछ भी नहीं करवा सकता, गुस्से में उसे किसी की बात समझ में नहीं आती। अरे हम नेहा को तो किसी तरह संभाल भी लेंगे, पर रणवीर,
उसके सम्मान को भी तो चोट पहुंची है ना। बेचारा आया था लेकिन। पर यहाँ आया ही क्यों? क्योंकि ये उसका हाथ पकड़ कर ले आई। अगर वो यहाँ खुद से आता ना तो हाथ पांव जोड़ता, उसकी नाक इतनी ऊंची नहीं होती। अरे हमारी नेहा को मनाता, उसकी सारी शर्तें मानता, हमारी नेहा भी लौट जाती। लेकिन नहीं, लड़की की भाभी को तो लड़की को लड़की के घर से भगाने की लगी है। ये मत समझना कि गरीब की बेटी को समझती नहीं है, इसीलिए पहल करके उसे यहाँ लेकर आई ना। अब झेलो झेलो दामाद के नखरे। मामी जी, ये मेरा भी घर है और इस फैमिली के हर मेंबर की कितनी चिंता है मुझे ये प्रूव करने की जरूरत नहीं है। और मैंने माना कि आज रणवीर को यहाँ लाकर शायद मैंने ठीक नहीं किया होगा, लेकिन हमने कोशिश तो की ना। और आज नहीं तो कल नेहा और रणवीर एक दूसरे को समझ जाएंगे, है ना देव? ठीक ही तो कह रही बच्ची, अगर हम लोग कोशिश नहीं करेंगे, पहल नहीं करेंगे तो दोनों में तनाव और फासला बढ़ता ही जाएगा। नहीं भैया, नेहा को मुझसे बेहतर कोई नहीं जानता, कोई नहीं। माँ हूं मैं उसकी। नेहा अभी किसी से बात करने के लिए तैयार नहीं है, मतलब तैयार नहीं है। और यही बात मैंने सोनाक्षी से भी कही थी पर उसने सुनी नहीं। मुझे तो डर है बात इतनी बिगड़ गई है कहीं कुछ। माँ तो फिक्र मत कर, मैं नेहा से बात करता हूँ। अरे अब क्या कोई भी मेरी बात नहीं सुनेगा? जब मैंने कहा है कि नेहा बात करने के लिए तैयार नहीं है तो तैयार नहीं है, बस उसे भगवान के लिए अकेला छोड़ दो। विजय, शोना बता रही थी कि देव की कंपनी में 600 लोग काम करते हैं। तो मैं सोच रही थी कि हम देव से सौरभ के जॉब के लिए बात करें। आशा, दुनिया में एक ही कंपनी बची है क्या जहाँ तुम सौरभ को जॉब करने के लिए भेजना चाहती हो? तुम भी जरा सोचो ना, सौरभ कहीं पे भी ज्यादा दिन तक टिक नहीं पाता, इसीलिए तो ये बिजनेस के पीछे भागता रहता है। और तुमको लगता है कि तुम्हारे दामाद की कंपनी में उसे खुली छूट मिलेगी? अगर हमारे बेटे में धक्के खाकर एक जॉब ढूंढने की काबिलियत नहीं है ना, तो वहाँ उस कंपनी में जाके भी वो हमारा नाम खराब ही करेगा। नाम क्यों खराब करेगा? अरे कोई भी अच्छा पोस्ट मिल जाएगा उसे, MBA किया है उसने, नौकरी की नहीं पर बिजनेस का तो तजुर्बा है ना। बिजनेस डुबाने का तजुर्बा है और वहाँ जॉब करने का मतलब है उन लोगों का एहसान लेना। मैं सौरभ को 4-5 महीने घर में बिठा के रखूंगा लेकिन उन लोगों का एहसान नहीं लूंगा। लेकिन आशा, एक मिनट, मैं कुछ गलत तो नहीं कह रहा हूँ? जो सच है वही कह रहा हूँ। ईश्वरी जी को तो यही लगता था ना कि हमारी बेटी उनके पैसे के पीछे है, लगता था कि नहीं लगता? अब हमारा सौरभ वहाँ चला जाएगा जॉब करने के लिए तो वो लोग एक्सपेक्ट करेंगे कि हम लोग उनसे दबके रहे। विजय, तुम भी तो रियलाइज करो ना, तुम एक ही बात पे अड़ जाते हो। उन लोगों ने सोना को पूरे मन से एक्सेप्ट कर लिया है, तुम बस अभी तक वही हो। इतने भी बुरे लोग नहीं है वो लोग जितना तुम बोल बोल के उन्हें बना देते हो। मैं बस इतना चाहती हूँ कि सौरभ को अच्छा सा कोई जॉब मिल जाए, अब वो देव की कंपनी में हो या किसी और की कंपनी में, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सौरभ अपने लिए पैसे कमाए, अपने पैरों पर खड़ा हो, बस मैं इतना चाहती हूँ। सोचो ना जरा तुम भी। आशा, मुझे इस पे कुछ नहीं सोचना, मुझे उन लोगों की हेल्प नहीं चाहिए। मुझे तो पता ही नहीं था कि हमारे घर पे सेलिब्रिटी भी है। वो पिक्चर तो देखी होगी ना, लैपटॉप की मौत। आपका लैपटॉप उसका हीरो? आप यहाँ सिर्फ गंदे जोक्स मारने आए हैं या कुछ और काम भी है? मार तो आपने इसे दिया है, हालत देखो उसकी, छोड़ दो उसे। अच्छा छोड़ो, बताओ मुझे क्या प्लान है? मुझे पता नहीं। अरे मुझे नहीं बताओगी? बताओ ना। देव आप ही सोचिए, अगर नेहा और रणवीर एक दूसरे से बात नहीं करेंगे तो प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होगी? मैं मानती हूँ कि गड़बड़ हुई लेकिन ट्राई करना तो जरूरी था ना। आई अंडरस्टैंड सोनाक्षी, तुम कोशिश कर रही हो, मुझे पता है इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, मैं यही मानता हूँ। लेकिन
जितनी तुम और मैं नेहा के बारे में फिक्र करते हैं उतनी तो माँ भी करती है ना, शायद हमसे ज्यादा, तो उनकी फिक्र भी जायज है। अभी कोई सवाल जवाब नहीं, इस बारे में हम बाद में बात करेंगे, अभी रेडी हो। क्यों? अगर आप बोलने देंगे तो बोलूंगी ना। बोलो। रेडी किस चीज के लिए, कहाँ जाना है? पत्नी पति से इतने सवाल नहीं करते, पति पत्नी से ऐसे बहस नहीं करते, मुझे कहीं जाने का मन नहीं। ठीक है, मैं माँ बाबा से कह दूंगा कि मैं अकेले ही आ रहा हूँ बंगाली भात खाने। हम माँ बाबा के पास जा रहे थे? प्लान तो यही था, मेरी एक मीटिंग है वहाँ पास में, तो सोचा कि जाते समय तो मैं ड्रॉप कर दूंगा और वापस साथ में ही आ जाएंगे, लेकिन अब तुम्हारा और कुछ प्लान नहीं है तो। आपका जोक भी फनी था और आप भी। पति पत्नी को तैयार होना। बहुत जल्दी बहुत कुछ सीख गई, बहुत ट्रेनिंग हो रही है क्या वहाँ? सीखना तो पड़ेगा ही ना, वहाँ मेरी माँ जो नहीं है। और वहाँ जो माँ है वो ठीक है? सोना, जब मैं शादी करके यहाँ आई थी तो मैं अपनी माँ से यहाँ की सारी बातें नहीं बताती थी। अमी जानी, तू भी बताने में कंफर्टेबल नहीं है, पर मैं सिर्फ इतना जानना चाहती हूँ, हाँ सब कुछ ठीक है ना बेटा? माँ अच्छे लोग हैं, बहुत ही सिंपल है, और मैं आपके असली क्वेश्चन का जवाब दूंगी, सब मेरे साथ बहुत ही अच्छे हैं। और आपको तो पता है कि हर घर में छोटा बड़ा ये तो लगा ही रहता है। क्या लगा रहता है, क्यों शे? वो लोग तुझे ठीक से नहीं रखते ना सोना। अब वो मामी जी मेरी रोज पिटाई करती है। क्या? देव की माँ मुझे खाना भी नहीं देती, और देव की बहनें वो मुझे रूम में बंद करके रखती है। बाबा तो रुक, अभी ईश्वरी जी को फोन लगाता हूँ मैं। बाबा तेरे बाबा है ना, लड़ने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। चलो। चीटर्स, चीटिंग, अपने बाबा की फीलिंग के साथ मजाक, तो देखो अपने बाबा की फीलिंग के साथ मजाक करती है। तुझे ना खाना मिलेगा ना पानी मिलेगा, और तेरी पिटाई भी करूंगा मैं। I miss you too, बेटा। न्यूट्रिशनिस्ट नहीं सरप्राइजर होना चाहिए था। मिस यू। हाथ अटा। ये मेरा टाइम है। हाँ। तू तो मिलती रहती है इसके घर जाके वहाँ। ओह मेशो, आप मुझसे भी जेलस? अच्छा, हाँ, सब ने पूछ लिया, अभी मेरी बारी। क्यों अच्छे? मतलब ये एलिना अपना मुंह छुपाती रहती है। दादा मुझे कॉल भी नहीं करते, और जब भी मैं कॉल करती हूँ तो जल्दी फोन काट दे। क्या हो रहा है मेरे घर में, सब चुप क्यों है? तू तो बता। दादा ये बोलो। बेटा क्या हुआ, सब ठीक तो है ना? माँ वो मैं अपने प्रोडक्ट का डेमो दिखाने गया था, तो उस परिवार ने मेरे पीछे कुत्ता छोड़ दी। मैं भागते बचाते निकल तो आया, लेकिन कुत्ते ने पंजा मार दिया। पापा चुप पड़ो। दादा मैं आपके लिए पेन किलर्स लेकर आती हूँ। मैं हल्दी का लेप बना के लाती हूँ, रुक जा। दिखा। वैसे सौरभ बेटा, ये कुत्ता किसी अच्छी ब्रीड का नहीं होगा ना, वरना तो बॉल आप कितनी भी दूर फेंको कुत्ते उठा के ले आते हैं। पापा मैं अभी मस्ती के मूड में नहीं हूँ, प्लीज आप जाओ यहाँ से, प्लीज। देखा। वैसे दादा आप डेमो देने घर क्यों गए, आपके बिजनेस का क्या हुआ? सोना बाद में बात करते हैं ना,
मुझे बहुत दर्द हो रहा है, प्लीज। दादा, आप मुझे बताओगे? अभी के अभी मुझे सब बताओगे? मेरे पार्टनर ने मुझे चीट किया। मैं जब शादी के पेमेंट की चेक दे रहा था, तब मुझे पता चला कि मेरे चेक बाउंस हो रहे हैं। शादी के ड्यूज भी पापा ने अपने पीएफ से पे किए। तुम मुझे फोन कर रही थी, लेकिन तुझसे बात करना मुझसे नहीं हो रहा था। आई एम सॉरी सोना, मुझे प्लीज माफ कर दे। मैं तुम्हें इन सब चीज में फिर से नहीं फंसाना चाहता था, इसलिए कुछ भी नहीं बता रहा। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.